खंडवा में भीषण गर्मी के बीच जल संकट गहराने लगा है। जल समस्या को लेकर नगर निगम नेता प्रतिपक्ष वाटर प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई है। खंडवा में भीषण गर्मी के बीच गहराते जल संकट से आम जनता परेशान है, वहीं अब जनप्रतिनिधियों का नगर निगम के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। शुक्रवार को सिर पर मटका लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया है और वाटर प्लांट कर्मचारियों पर अपनी नाराजगी जताई है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष दीपक राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए निगम प्रशासन पर जमकर हमला बोला है। खंडवा से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। मानिएगा कि मैंने 20 टैंकर के पाइप दिए थे, मेरे यहाँ एक हफ्ते से पानी नहीं आया, लेकिन 20 टैंकर में से मात्र एक टैंकर मिला है जो वार्ड की समस्या का निराकरण है। और टैंकर की आपूर्ति जो है पानी की आपूर्ति टैंकर से नहीं की जा सकती, ये सिर्फ एक सांत्वना देने के लिए, सिर्फ भरोसा दिलाने के लिए कि हम पानी की पूर्ति कर पाएंगे। लेकिन निगम ने हमेशा पानी की आपूर्ति के लिए भ्रष्टाचार किया है, और भ्रष्टाचार इस तरह से कि क्या हाथ करके पाइपलाइन तोड़ दी जाती है, फोड़ दी जाती है कि टैंकर की सप्लाई चालू कर दें। टैंकर की सप्लाई चालू करने के लिए, मुझे लगता है कि टैंकर की सप्लाई चालू करने के लिए इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है। सबूत दिया है कि आप देखिए किस तरीके से स्विमिंग पूल को लूटा है, देखिए 106 करोड़ की योजना को किस तरीके से इन्होंने खाया है, लेकिन उस पर जांच नहीं होगी। इनकी कथनी और करने में बहुत फर्क है। खंडवा के स्वास्थ्य विभाग पे क्या बोलेंगे? देखिए 0% सन्नाटा। अगर कभी सर्वे हो तो खंडवा में सरकारी हॉस्पिटल की दूरदर्शा इतनी बेकार है कि कहीं मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में इस तरीके की यहाँ के जनप्रतिनिधि को यहाँ के जनप्रतिनिधि आंख मूंद कर सोए हुए हैं। वो जनता के भरोसे भीख में उनको वोट देती है जनता। स्थानीय विधायक 2-3 बार जिला अस्पताल पहुंची, हाली है तो कमीशन की बात कर कराते हैं। उनको व्यक्ति विशेष से कोई लेना देना नहीं। मैं 5 साल से हॉस्पिटल में सेवा देता हूं और मेरा काम से, मैंने कोविड काल से हॉस्पिटल को बहुत नजदीक से देखा है और उसकी कई कमियां हैं। मैंने कलेक्टर महोदय ने 2-2 बजे रात को कलेक्टर महोदय को बुलाया है, और कलेक्टर महोदय बहुत अच्छे व्यक्ति, वो आए भी और उन्होंने बहुत बार कोशिश करी उस व्यवस्था को सुधारने की, जिसमें उन्होंने जुगताव साहब का ट्रांसफर भी करा और बहुत सारी चीजें, और उन्होंने हमारी एक बंद कमरे में मीटिंग भी हुई और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार। आप ये मानते हैं कि सीएस जुगतावत के जाने के बाद से अस्पताल की स्थिति बिगड़ी है? देखिए इनका तो एक सिंडिकेट चलता है, ये एक जॉइंट भ्रष्टाचारी लोग हैं। एक जाएगा दूसरा बैठेगा, उससे ज्यादा भ्रष्टाचार करेगा। इन लोगों को भ्रष्टाचार मिटाने के लिए खंडवा की जनता को एक होना पड़ेगा, और सब मिलकर अगर लड़ेंगे ना तो खंडवा की व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं बताना चाहता हूँ कि विधायक जी वहां पर गए, मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि वहां पर विधायक पहली बार जब विजिट करने गई थी तो विधायक को नर्स ने चमका दिया, मतलब एक जनप्रतिनिधि जी को चमका दिया। तो हमारे जैसे विपक्ष के नेता का और हमारे नेता बेचारे क्या आवाज उठाए, उसके बाद भी हम सीना ठोक कर हम आवाज उठाते हैं। जब भी अगर अस्पताल में ऐसी कुछ गड़बड़ होती है तो सबसे पहले मुल्लू राठौड़ और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पहुंचता है और हमारी खंडवा की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करता है। आपका परिचय? दीपक राठौड़, मुल्लू, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, खंडवा।